रावत आपका न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू में इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर। आप जहां पर देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी रैली यहां पर निकाली और यहां पर लगातार जिसमें ज्यादातर महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं, लगभग देखिए काली पट्टी बांधकर ये बड़ा प्रदर्शन करने के उसमें बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो उनकी पहचान केवल यही है कि वह महिलाओं के साथ सरेआम अत्याचार होता है, उनके लोग सरकार में रहती है लेकिन इस सरकार की जुबान नहीं चलती। आज मैं स्मृति ईरानी से सवाल पूछती हूँ, जब उनके सरकार में भाजपा की सरकार में कई जग विधायक और MLA सांसद और उनके कई रिश्तेदार जो उनके रिश्तेदार कहने से उनके पार्टी के संबंधित लोग इस तरीका से जघन्य अपराध में शामिल रहती है, लेकिन ये स्मृति ईरानी इनको पता नहीं रहता है, ये चैलेंज करती है राहुल गांधी को, तब इनकी आवाज नहीं निकलती। जब महिला के सवाल है, अभी जैसे कि आपने कहा, आप पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहां से, क्या नाम? मैं पूजा चड्ढा, गाजियाबाद की जिला अध्यक्ष हूं महिला कांग्रेस वेस्टर्न यूपी से। जी, मैं एक सवाल ये भी है कि अब ये जो रेप मामला है या जितने भी ये मामले हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित किए जा रहे हैं और जिसमें कि उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, आपका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, मगर एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि उनको चारों को एनकाउंटर कर दिया गया केंद्र सरकार के अंदर, और उसके बाद जो 2012 का एक मामला था निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था बस के अंदर रेप कांड, उसके मामले में भी 16 या 17 तारीख को फांसी का निर्णय आ गया है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है सरकार? आप देखिए जो इनकाउंटर हुआ है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठा दी है, अभी पुलिस की डिसीजन की वो आने में बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जांच बिठाई है तो उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम लोग चाहते हैं सऊदी का रूल आए, रेप करने वाले को उसी वक्त गोली मार दी जाए, बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाए। जब हम ऐसे कठोर को लिए जाएंगे निर्णय तभी इस प्रदेश के अंदर अत्याचार रुकेंगे। पहले तो महिलाओं का रेप करके फेंका जाता था, अब तो महिलाओं को रेप करने के बाद जिंदा जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं उन्नाव की बच्ची के साथ क्या हुआ, उसने सुरक्षा मांगी, उसको सुरक्षा नहीं दी गई। आज कल उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेप पीड़िता के घर के बाहर पर्चा चिपकाया जाता है, या तो अपना केस वापस कर लो नहीं तो तुम्हें भी जिंदा जलाया जा सकता है। ये सरकार है, योगी मोदी ने जब सरकार में आए नहीं तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन ये तो खुद ही बेटी मरवा रहे हैं, बेटी विरोधी सरकार है। लेकिन मैम जैसे कि अमित शाह केंद्र मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि शर्म की बात है, तड़ी पार को देश का गृह मंत्री बनाया गया, अमित शाह खुद तड़ी पार है तो वो देश को क्या चलाएंगे? इनको देश चलाने का तरीका ही नहीं मालूम है, देश के संविधान के बारे में इनको पता नहीं है, क्या देश चलाएंगे? इन्हें ना तो संविधान का रक्षा करना आता है, ना लोकतंत्र का मतलब ही नहीं इनको पता है। अगर लोकतंत्र का मतलब इनको पता होता तो तानाशाही बिल्कुल नहीं। मैम मेरा सवाल ये था कि वो गृह मंत्री हैं, सारे देश की पुलिस उनके अंडर में आती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि यदि सऊदी का कानून यहाँ पे लागू कर दिया जाए तो इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी मजबूत रहेगी सऊदी जैसी? ये आप देख सकते हैं, ये लोग RSS का विधान को हमारा संविधान बनाना चाह रहे हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता है, और हर चीज इनके हाथ में, पूरी ताकत इनके हाथ में है, उसके बाद ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं रेप पीड़िता के, और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका अता पता ही नहीं रहता है। आप जज लोया को देख सकते हैं, जब उन्होंने मोदी और योगी के खिलाफ आवाज उठाई थी आज तक उनका अता पता नहीं है कि वो गए कहाँ। तो ये लोग मिली जुली सरकार है, यही लोग ये महिलाओं पर अत्याचार करा रहे हैं, ये बड़े बड़े वादे करते हैं बेटी बचाओ के, लेकिन ये बेटी विरोधी सरकार है, ये भड़वों की सरकार है। अगर इनका परिवार होता तो इन्हें महिलाओं का दर्द पता होता कि महिलाओं का दर्द क्या होता है। आप मोदी जी को देखिए, मोदी जी खुद अपनी बीवी को छोड़कर बैठे हुए हैं, वो अपनी बीवी को अपना नाम देने से डरते हैं। मुख्यमंत्री जब तक रहे उन्होंने कभी ओपन नहीं किया कि मैं शादीशुदा हूँ, प्रधानमंत्री के चुनाव में उनको शो करना पड़ा कि मैं शादीशुदा हूँ, उनकी बीवी की उन्होंने क्या दुर्गति कर रखी है। तो ये बेटी बचाओ का केवल नारा दे सकते हैं, बेटियों की सुरक्षा मुख्यमंत्री तो लेकिन CM आदित्य योगी नाथ जी तो खुद भड़े हुए हैं, अगर उन्हें परिवार होता तो उन्हें बिटियाओं का दर्द पता चलता, गाय बचाने चल रहे, कम से कम बच्चियां तो बचा लें पहले, बड़ी बड़ी बच्चियों पे आरोप लगाते थे कि उनके कपड़ों के ऊपर, अब देखिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, 4 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, बच्चियों तो छोटे छोटे बच्चे भी इस टाइम इस सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जब बच्चे घर से निकलते हैं तो दरवाजे पर नजर होती है कब बच्चे वापस आए। मैम बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं गुड टच बैड टच के स्कूलों में भी, और खासकर दिल्ली सरकार में कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तो आपकी सरकार में कुछ ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है जिससे कि बेटियों के लिए क्या क्या, आप यह प्रदर्शन तले की महदूद है? आप देखिए आज भी हम बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी
नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने 33% बिल जो पास करवाया था महिलाओं के लिए, आरक्षण लाई थी वो भी सोनिया गांधी जी लाई थी, हमारी प्रथम प्रधानमंत्री। मेरा सवाल ये है कि ऐसी उत्पीड़न महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? हम लोग, हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले वो महिला को सुरक्षा देगी, इसका हम आपसे वादा करते हैं। हम देखिए, बात मीडिया के माध्यम से बहुत निष्पक्ष सवाल करने पड़ते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, योगी के राज में, मोदी के राज में ये सारे मामले बहुत हाईलाइट हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को भी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे उनको, कांग्रेस इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है या इतनी निर्धन पार्टी नहीं है कि कांग्रेस उनकी मदद नहीं कर सकती। एम्स के अंदर अभी एक बच्ची तड़प तड़प के जान दे दी है एम्स ने, बताइए कांग्रेस पार्टी में क्या? कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता होना चाहिए, निर्भय कांड की जो महिला थी उसके भाई को पायलट बनवाया राहुल गांधी ने, आज तक छुपा के रखी थी ये बात, खुद उसके माता ने टेलीविजन मीडिया में आके कहा कि राहुल गांधी की बदौलत आज मेरा बेटा पायलट है। कांग्रेस पार्टी जो करती है, किसी का सहयोग या मदद करती है तो उसको वो शोबाजी नहीं करती, मोदी की तरह एक रुपया खर्च करता है 10 करोड़ का खर्चा दिखाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के साथ खड़ी रही है, इस देश के लिए अगर बलिदान दिया तो केवल कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हम 60 साल सत्ता में रहे ऐसे नहीं रहे, इन लोगों ने 9 साल की सत्ता में ही इस देश का हाहाकार मचा दिया है, युवा बेरोजगार है, महिला सड़कों पे मर रही हैं, आप देख सकते हैं यूपी का तो इतना बुरा हाल है, छोटी छोटी बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। तो हम चाहते हैं इस सरकार को, अपने आप योगी और मोदी को शर्म करके इस्तीफा दे देना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो चूड़ी भेजने का काम महिला कांग्रेस करेगी योगी और मोदी को। देखिए, नाम की बेटी के लिए जिस तरह से योगी सरकार ने बिल्कुल बेशर्मी के साथ उन्नाव की बेटी के साथ जो भी हुआ, बलात्कार हुआ, उसके बाद आए दिन कहीं ना कहीं यूपी में जितने ज़्यादा, अभी एक रिपोर्ट आई 106 बलात्कार रोज हो रहे हैं देश में। हाँ जी, रोज हो रहे हैं, और सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी संगीन कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि सरकार इनके विधायक ही जब बलात्कार के आरोपी हैं और उनके खिलाफ ये कोई कठोर कदम नहीं उठा रहे, तो ये आरोपी के खिलाफ क्या कठोर कदम उठाएंगे, आम लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे? और मैं ये या तो तानाशाही दिखा सकते हैं या फिर ये पब्लिक के लिए इस तरह की पैदा कर सकते हैं हालात। थैंक यू मैम। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो है एक लंबा स्टेटमेंट हमने दिखाया कि किस तरह से गुस्सा है महिलाओं के अंदर, किस तरह से एक दुख भी है, कहीं ना कहीं क्रोध है कि आखिर इस मौजूदा सरकार में ये सब क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा प्रदर्शन आप हमारे पीछे देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये तमाम प्रदर्शन महज इलेक्शन का तांता बाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन तमाम रेप पीड़िताओं के लिए एक बड़ा मामला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम प्रदर्शनों की कितनी आवाज़ योगी मोदी सरकार तक पहुँचती है और वो क्या निस्तारण करते हैं। बने न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ, कैमरा पर्सन दिलशाद के साथ पत्रकार फुरकान सलमानी।